चलिए कुछ जानते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक टेस्ट योरसेल्फ आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से हमें पहचानना है कि इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। पहला, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो इंडिया की एम्बेसी है, तो इंडिया का व्यक्ति इंडिया का काम करने ही तो गया है, इंडियन ऑफिशियल है। हमने एक्सेप्शन पहले यही की थी, तो ऑब्वियस है वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया। सेकंड, ए जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन द इंडिया फॉर द 2 मंथ। 2 महीने के लिए अगर कोई जापानीज इंडिया में आके स्टे कर रहा है, ना तो वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि 1 साल से ज्यादा, ना ही दूसरी कंडीशन को इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा, वो जापान का रेजिडेंट होगा। इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। इंडिया का कोई व्यक्ति क्रिकेट देखने पाकिस्तान गया, तो इंडिया का ही रेजिडेंट है, वापस आ जाएगा, 1 साल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। आगे, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर। इंटरनेशनल टेरिटरी में कोई इंडियन काम करता है, इंटरनेशनल ऑफिस में काम करता है, लेकिन वो काम 1 साल से कम के लिए है। अगर यही चीज पूछता कि यूएनओ कहां का रेजिडेंट है, तो इंटरनेशनल टेरिटरी का रेजिडेंट है, लेकिन उसने पूछा इंडियन काम करने गया है, उसको 1 साल से ज्यादा समय नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो कहां का रेजिडेंट होगा, इंडिया का, इंडियन रेजिडेंट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इंडियन रेजिडेंट के लिए। आगे, इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में ही इंटरनेशनल ऑफिस है, 1 साल से ज्यादा का समय हो, 1 साल से कम का समय हो, अगर इंडिया में ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का ऑफिस है, ऑटोमेटिकली हमेशा ही वह व्यक्ति इंडियन रेजिडेंट होगा। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग द इंडिया फॉर अ मंथ टू सी अ ताजमहल। कोई बाहर से आया ताजमहल देखने देख के चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो रेजिडेंट कहां का, फॉरेन का, इंडिया का रेजिडेंट थोड़ी हुआ, क्योंकि दोनों कंडीशन में कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगी। लास्ट बात करेंगे, इंडियन मुस्लिम गोइंग टू द हज। हज के लिए कोई इंडियन मुस्लिम जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वापस आएंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने या उससे भी ज्यादा समय नहीं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो उनका इंडिया में है, तो दोनों सेटिस्फेक्शन कंडीशन सेटिस्फेक्शन नहीं होती बाहर के लिए, इंडिया के लिए सेटिस्फाई होती है, तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया।